बच्चों अभी तक हमने श्वसन तंत्र की जो संरचना है या उसके जो अंग हैं उसमें हमने संवाहक अंगों की बात की संवाहक अंग मतलब कंडक्टिंग ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है वातावरणीय हवा जो है वो प्रवेश करती है अब हम इसके मुख्य अंग मुख्य श्वसनांग यानी फेफड़ों की बात करते हैं अब हम फेफड़ों की संरचना को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी जो फेफड़े हैं वो वक्षीय गुहा के अधिकांश भाग में ये स्थित होते हैं वक्षीय गुहा माने ये जो आप देख रहे हो ये वक्षीय गुहा होता है वक्षीय गुहा में ये फेफड़े जो हैं वो अधिकांश भाग को घेरे रहते हैं फिर देखें तो ये रचनात्मक रूप से स्पंजी होते हैं स्पंज आप जाते हो जानते हो कि जिसको दबाने से वो दबता है तो फेफड़े भी ऐसे ही रहते हैं ये स्पंजी रहते हैं क्यों रहते हैं क्योंकि ये फेफड़े जो हैं मुख्य रूप से ब्रॉक्योल्स वायु जो कुपिकाएं थी उनकी जो वाहिनियां हैं या वाहिकाएँ हैं और एलमी मुलाई के कारण ये जो है स्पंजी बन जाते हैं तो इनमें ब्रॉन्कील्स कोपिका वाहिकाओं वायुकूपिकाओं और रुधिर वाहिनियों ये केशिकाओं से बना होता है मुख्य रूप से देखा जाए और मुख्य रूप से बात की जाए तो इसमें जो कुपिकाएं हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों यदि लंग्स को मिला दें तो लगभग 30 करोड़ ये एल या वायु कुपिकाएं जो हैं पाई जाती हैं प्रत्येक वायु कुपिका के कारण जो है ये पूरा जाल फैला रहता है और इसी में ही पल्मोनरी आर्टरी और वेन की जो केशिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं वो इसमें फैली रहती हैं ताकि यहीं पर ही जो है गैसी आदान प्रदान होता है जब हम गैसी आदान प्रदान की बात करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि एल का काम क्या है तो कूपिकाओं के द्वारा ही होता है और गैसीय आदान प्रदान जो एल वी में हो रहा है आप अभी जैसे हमने अभी बात की कि लगभग ये तीस करोड़ जो है ये एल वी पाए जाते हैं और जिसके कारण ही ये जो हमारा लंग्स है वो स्पंजी हो जाता है आपने कभी कभी ऐसे टीवी में देखा होगा या आ, अपने आप से भी महसूस करते होंगे ये फैलता और सिकुड़ता है क्योंकि ये अंदर जो है वो स्पन मतलब वायु वायुकोपिकाएं हैं जिसके कारण ये फैलता और सिकुड़ता है और क्योंकि वक्षी गुहा में है तो वक्षी गुहा में उसको जगह मिल जाती है फैलने और सिकुड़ने की अब इसका यानी जो एल्म की बात करते हैं जो इतनी ज़्यादा संख्या में है इनका सतह का क्षेत्र जो है वो लगभग नब्बे वर्ग मीटर है आप 90 वर्ग मीटर सोच के देख लो वो कितनी बड़ी सतह होगी ये सतह क्यों है क्योंकि यहीं से ही ऑक्सीजन को क्या है शरीर के अंदर यानी कोशिकाओं तक पहुंचना है हमने पहले भी बात की थी कि जो श्वसनी सतह है उसको नम होना चाहिए बड़ा होना चाहिए पतला होना चाहिए तो ये सारी खूबियां जो हैं वो इस एल उलाई में होती हैं हमने अभी बड़े की बात की यानी इसका जो सतह क्षेत्रफल आप देख रहे हो नब्बे वर्ग मीटर है पतली होती है थिन होती है बहुत ज़्यादा ताकि ऑक्सीजन या सी ओ टू जो है इसमें विस्तृत हो सके और तीसरी बात जो हमने बात की ये नम होती है यानी ये मॉस्ट होती है अब आप ये चित्र जैसे देख रहे हो लंग्स का यानी फेफड़ों का तो फेफड़े जिसकी हम बात कर रहे हैं आप देख रहे हो कि ये श्वास नल के द्वारा ये ग्रसनी से जुड़ा हुआ है लैरिंग्स है आप देख रहे हो लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया और ट्रैकिया यानी श्वास नाल श्वास नाल जो है दोनों तरफ फेफड़ों में जाते हैं तो ये फेफड़े जो हैं श्वास नाल के द्वारा कह लो ग्रसनी से जुड़े होते हैं अब फेफड़े आप देख रहे हो कि राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कभी कभी ये भी आपको एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि राइट साइड में कितने लोब हैं और लेफ्ट साइड में कितने लोब हैं यानी पालिया हैं तो आप जैसे ये चित्र में देख रहे हैं कि राइट साइड में तीन पालिया हैं, तीन लोब हैं। एक आप हाँ देख रहे हो राइट सुपीरियर है यानी जो ऊपर वाला होगा हम उसको सुपीरियर कहते हैं नीचे वाला आप देख रहे हो राइट इंफीरियर है और बीच में जो है वो मिडल है तो इस तरह से राइट साइड में तीन लोब्स हैं और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो एक है सुपीरियर और एक है इन्फीरियर तो इस तरह से ये जो फेफड़े हैं वो लोप्स के बने हुए हैं अब आगे और बात करते हैं कि गैसीय आदान प्रदान की सतह जो है इसमें क्योंकि वायुकूपिकाएँ बहुत अधिक संख्या में होने के कारण संपूर्ण जो बाह्य सतह है ये करीबन ये, उससे सौ गुना ज़्यादा हो जाती है बहुत लंबा ये सतह है उसका क्षेत्रफल है और जहाँ पर ये सुगमता से गैसी आदान प्रदान हो सकता है प्रत्येक फेफड़े आप जैसे देख रहे हो इनके चारों तरफ जो है एक पतला आवरण है जिसको विसरल प्लूरा कह रहे हैं विसरल प्लूरा कह रहे हैं फिर एक और आप आवरण देख रहे हो कि वो है पेराइटल प्लूरा अब इन दोनों के बीच में जो कैविटी है जो गुहा है वो कहलाती है पेराइट प्लूरल कैविटी तो प्लूरल कैविटी में होता है फ्लूड यानी द्रव और द्रव का जो काम है हर एक चीज़ का देखिए जो जो अंग होते हैं हर एक का अपना अपना एक काम होता है अब आप सोच सकते होंगे कि ये द्रव का क्या काम होता है तो द्रव जो है ये रगड़ से बचाता है अब देख रहे हो सकता है ये अपनी जगह में ही सधे हुए हैं ये फेफड़े जो हैं वक्षी गुहा में अपनी जगह में ही सधे हुए हैं और आ, जब ये फैल और सिकुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों जो आ, मेंब्रेन हैं वो आपस में जुड़ जाए तो उससे बचाने के लिए ही बीच में क्या है कैविटी है उस कैविटी में द्रव है फ्लूइड है और यही फ्लूड जो है इनको रगड़ से बचाता है और दूसरी बात ये फेफड़े जो है इनकी उपस्थिति के कारण श्वासोच्छ्वास के दौरान यानी जब Uh, निश्वसन और निश्वसन हो रहा है यानी uh, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है तब ये बहुत सुगमता से ये गति कर पा रहे हैं किसके कारण क्योंकि यहाँ पर एक द्रव उपस्थित है अब बेसिकली देखें तो ये जो फेफड़े हैं हमने जहाँ से शुरुआत की जहाँ से uh, ट्रैकिया यानी श्वास नाल जो ब्रांक्योल्स जिसमें एंटर कर रहा है ब्रांक्योल्स आप देख रहे हो पतली पतली नलिकाएं हैं फिर ये प्राइमरी ब्रांक्यूल्स में बढ़ जाता है प्राइमरी ब्रांक्यूल्स फिर और सेकेंडरी ब्रांक्यूल्स में बढ़ जाता है सेकेंडरी ब्रांक्यूल्स आगे छोटी पतली वाह में बदल जाता है ये टर्सरी ब्रांक्यूल्स में बदल जाता है इसलिए इस तरह से आप देख रहे हो पूरे फेफड़े जो हैं कई सारी अंदर में नलियाँ हैं वाहिकाएँ हैं और आखिरी में आप देख रहे हो कि एक बैलून के समान गुब्बारे नुमा रचना है जो है वायुकूपिकाएँ यानी कि एल वी वलाई और यही एल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गैसी आदान प्रदान में सहायक होती हैं तो अगर कभी कभी ये प्रश्न आता भी है कि फेफड़े की संरचना का वर्णन कीजिए तो आप ये बहुत सारी बातें जो हैं इसमें में मेंशन कर सकते हैं और इसका चित्र बनाकर इसके जो अंग हैं किससे जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है और इसके में ऑर्गन में क्या क्या है इसका फंक्शन क्या है तो ये आप सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अब ये फेफड़ों की हमने संरचना देख ली हमने सारे श्वसन तंत्र के अंगों की बात कर ली अब हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कैसे होगी उसे देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम ब्रीदिंग को समझेंगे यानी श्वासोच्छ्वास को समझेंगे जिसमें हमने बात की निश्वसन और नीश्वसन. नीश्वसन मतलब फेफड़ों के द्वारा बाहरी हवा को ग्रहण करना और निश्वसन का मतलब है फेफड़ों के द्वारा सीओ टू को बाहर निकालना तो इस प्रक्रिया में कुछ मसल हैं वो काम करती हैं और डायफ्राम काम करता है डायफ्राम हमने जैसे पहले भी बात की थी जो ये सिस्टम uh, है हमारा श्वसन तंत्र है सिस, जो सिस्टम है उसके नीचे में आप देख रहे हो ये डायफ्राम एक डोम uh, शेप्ड में या गुमन दुमा एक मस्कुलर uh, रचना रहती है और साथ में ही पसलियाँ रहती हैं आप जानते हो हमारा ये जो वक्ष का जो पिंजरा है वक्षी गुहा ये कैसे बन रही है तो रिब्स के द्वारा बनती है सामने स्टर्नम होता है और पीछे होती है बैकबोन तो पीछे जो बैकबोन है सामने स्टर्नम और उससे बैकबोन से लगकर सामने स्टर्नम की ओर लगती हैं पसलियां यानी रिप्स तो इस तरह से ये एक चारों तरफ से एक घेरा बन जाता है जिसको हम कहते हैं वक्षी गुहा क्योंकि ये वक्षी गुहा आ, को समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एं, होगा यानी कि हवा बाहर निकलेगी और ली जाएगी इसमें बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इस प्रक्रिया में हमने जैसे बात की कि कुछ मसल्स काम कर रही हैं एक हमने डायफ्राम की बात कर ली दूसरा है इंटरकोस्टल मसल्स ये इंटरकोस्टल मसल जो है ये रिब्स से यानी पसलियों से ही जुड़ी रहती है और होती है एक एक्सटर्नल होती है और दूसरी होती है इंटरनल तो दो तरह की मसल्स आप जैसे इसमें देख रहे हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का एक जोड़ा होता है ये ये पसली के ऊपर भाग से यानी पसली के ऊपरी भाग से निकल कर पीछे वाली पसली के नीचे वाले भाग से ये जुड़ा होता है और दूसरी जो है इंटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये भी एक जोड़ा होता है ये पसली के नीचे वाले भाग से निकलकर पीछे वाली पसली के ऊपरी भाग से जुड़ता है यानी ये क्रिस क्रॉस तरीके का ये पसलियां से ये मसल्स जो है वो जुड़ी रहती हैं अब ये आ, हमने ये बात कर ली कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम इस ब्रीदिंग में मदद करते हैं अब हम पहली प्रक्रिया यानी इंस्पायरेशन की देखें यानी जब हम श्वास ले रहे हैं हवा जब अंदर आ रही है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल हो रही है तो सबसे पहले मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है पहले वो सिकुड़ती हैं उनके सिकुड़ने से जो जो हमने पिंजरा की बात की थी जो हमने बक्शी गुहा के आयतन की बात की थी वो कैसे बढ़ रहा है देखो क्योंकि मसल सिकुड़ रही हैं तो ये जो रिप्स हैं यानी पसलियां हैं वो बाहर की ओर खिंचाती हैं ये पिक्चर से भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये बाहर की तरफ रिप्स आ रही हैं डायफ्राम जो डोम शेप था गुमबंद नुमा था यह भी मस्कुलर रचना है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है सिकुड़ता है और यह फ्लैट हो जाता है यानी यह चपटा हो जाता है तो चपटा होने के कारण ये नीचे चला गया ये भी जैसे देख रहे हो ये नीचे चला गया है रिब्स बाहर की तरफ खिंचा रही हैं तो जिसके कारण अंदर का आयतन जो है वो क्या हो गया बढ़ गया आयतन जैसे ही बढ़ता है वहाँ का दाब कम हो जाता है जो वायुमंडलीय दाब की हम बात कर रहे हैं अंदर में जो दाब है वो कम हो जाता है और बाहर जो वातावरण का जो दाब है वो ज़्यादा होता है तो हमेशा जब भी प्रेशर इस तरीके में डिफरेंसेस होता है तो हवा जो है वो बाहरी वायुमंडल से होकर हमारा जो भी संवाहक अंग है उनसे होते हुए ये फेफड़ों में पहुंचती है किन कारणों से पहुंची हमने बात की मसल्स सिक, में सिकुड़न आई कॉन्स्टिक्ट हुए डायफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ जो फ्लैट हो गया और जो आयतन था बक्षी गुहा का आयतन था उसमें बढ़ोतरी हो गई यानी वो आयतन में वृद्धि हो गई और दाब कम हो गया जिसके कारण बाहरी दाब ज़्यादा होने के कारण हवा जो है वो एक जो वायुपथ है उससे वो एंटर करके फेफड़ों में पहुंचती है तो ये पहली जो प्रक्रिया हमने देखी ये थी सांस लेना यानी अंदर में फेफड़ों में हवा का पहुंचना अब दूसरी जो है वो है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन सेम प्रोसेस होगी मतलब वो जो पाथ हमने जो यूज़ किया था जैसे एं, आ, आ, एंटर हुई थी हवा वैसे उसी पाथ से ही वापस भी होगी लेकिन यहाँ पर होगा अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेंगी जिसके कारण जो रिप्स जो फैल गई थी यानी पसलियाँ जो फैल गई थी वो अपनी जगह पर आ जाएगी अब डायफ्राम भी अपनी मतलब रिलैक्सेशन की पोजीशन आ रही है ना शिथिलन की अवस्था आ रही है तो वो फिर से ऊपर चला जाता है और डोम शेप्ड हो जाता है अब हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है यानी रिब्स भी अपनी जगह पे आ गई डायफ्राम भी अपनी जगह पे आ गया तो यहाँ जो वक्षी गुहा का जो आयतन था वो क्या हो जाता है कम हो जाता है आयतन कम हो गया जिसके कारण वहाँ जो हवा है फेफड़ों में जो CO2 युक्त जो हवा है उस पर दाब पड़ता है और जैसे ही दाब पड़ता है बाहर दाब कम है तो फिर ये हवा जो है उसी पाथ से जो पाथ पहले जैसे एंटर की थी उसी पाथ से ये वापस बाहर हो जाती है तो ये है एक्सपायरेशन ये ब्रीदिंग प्रोसेस भी आपको कई बार क्वेश्चन ये आता है जिसमें दोनों प्रोसेस को आपको लिखना पड़ता है विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है तो डायग्राम में आप जरूर बताइए कि कैसे कॉस्टल uh, मसल्स का क्या रोल है डायफ्राम का क्या रोल है और किस तरीके से इन दोनों के uh, सिकुड़ने और फैलने से ये प्रक्रिया दोनों यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रही है अब हम देखते हैं कि जो हमने Uh, बात की थी कि हवा जो अंदर ले रहे हैं और जो उच्छ्वसित है यानी जो बाहर हवा जा रही है क्या इनके कंपोजिशन सेम है चलिए तो इसको टेबल में हम देखते हैं आप देख पा रहे हैं जैसे इंस्पायर्ड यानी जो निश्वसित वायु के घटक हैं उसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन है बीस दशमलव नाइन पॉइंट सिक्स जैसे देख नाइन सिक्स बीस दशमलव छियानवे प्रतिशत आप देख रहे हो लगभग आप जानते हो इक्कीस प्रतिशत हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है सीओ टू आप देख रहे हो जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट है ये बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यानी बाहरी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है उसकी बात हो रही है फिर आप देख रहे हो नाइट्रोजन है ये सेवेंटी नाइन परसेंट है और जल वाष्प भी होता है वो है वन पॉइंट टू फाइव तो इस तरह से ये जो हवा एंटर कर रही है उसका कंपोजिशन था अब जो बाहर निकलती है हवा जो फेफड़ों के द्वारा हवा बाहर निकल रही है उसका कंपोजिशन बिल्कुल आप देख रहे हो चेंज है परिवर्तित है आप ऑक्सीजन इसमें देख पा रहे हो सोलह दशमलव तीन प्रतिशत है कहाँ वो इक्कीस प्रतिशत था अब ये सोलह दशमलव तीन प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत भी बहुत अंतर आप दिख रहा है पहले आप देख रहे थे जीरो, जीरो जो डिजिट में भी नहीं था वन डिजिट में भी नहीं था अब आप देख रहे हो 4.0 परसेंट हो गया ये क्यों हो गया क्योंकि अंदर में रेस्पिरेटरी यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसके द्वारा सी बनती है और पानी बनता है और ऊर्जा बनती है हमने पहले भी इसके सूत्रों को uh, हमने बताया था जिसमें आप इसमें समझ पाए थे कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सी टू एच टू और एनर्जी बनती है तो ये वही सी ओ टू है जो गैसी आदान प्रदान के दौरान हम जब आ, आगे भी बात करेंगे तो ये फेफड़ों तक आ जाती है और फेफड़ों से ये बाहर निकलती है तब इसका परसेंटेज आप देख रहे हो चार दशमलव शून्य प्रतिशत है नाइट्रोजन का प्रतिशत सेम है यानी सेवेंटी नाइन आप देख रहे हो जो एज इट इज है मतलब वो एंटर करती है और वो ऐसे ही बाहर आ जाती है फिर हम देख रहे हैं जलवाष्प जलवाष्प का भी प्रतिशत में आ, अंतर आपको दिख रहा है जैसे अभी हमने बात की थी कि जब कोशिकी श्वसन होता है तो उसमें पानी भी बनता है और ये पानी ज़रूरत के मुताबिक यदि हमें होती है आवश्यकता शरीर को तो वो अवशोषित हो जाता है अदरवाइज़ ये फेफड़ों के द्वारा उच्छ्वसित वायु के द्वारा ये बाहर निकल जाता है तो ये आप देख रहे हो छः दशमलव दो प्रतिशत है अब कभी इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो आईना के सामने आप हा करके अपनी सांस को छोड़ोगे तो आप देखते हो वो जो आईना है वो थोड़ा सा उसमें पानी आ जाता है यानी भाप आ जाती है यानी धूमिल हो जाता है कह लो तो ये धूमिल जो हो रहा है यहाँ पे जो वेपर्स आ रही हैं वो हमारे सांस के द्वारा निकली हुई ही जलवाष्प है अब वायु कोष्ठक वायु के घटक देखते हैं इसमें भी आप देख रहे हो कुछ अंतर है ऑक्सीजन जैसे देख रहे हो चौदह दशमलव दो प्रतिशत है सीओ टू पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत है नाइट्रोजन अस्सी दशमलव जीरो थ्री परसेंट है और जलवाष्प देख रहे हो सिक्स पॉइंट टू परसेंट है तो इस तरीके से ये भी कभी कभी हमें एक या दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रवेशित वायु है और जो उच्छ्वसित वायु है उनके कंपोजिशन में क्या अंतर है तो आप ये अंतर देख भी पा रहे हैं और आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे बच्चों अब हम जो हवा अंदर आ रही है कैसे आ रही है कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए आ रही है उसका एक पाथ देख लेते हैं तो इंस्पायरेशन में आप देख रहे हो जैसे पहले ग्रसनी है फेरिंग्स या कह लो कि नाक के थ्रू जब नॉस्ट्रिल के थ्रू जब अंदर आ रहा है तो नेजल चैम्बर उसमें सबसे पहले आता है ग्रसनी ग्रसनी यानी फेरिंग्स उसके बाद ग्लोटिस है अब देख रहे हो फिर लैरिंग्स है यानी कंठ फिर ट्रैकिया यानी श्वासनल फिर है ब्रोंकी ब्रोंकियोल एलव्यूला डक्ट और एल्व्यूलाई यानी वायु कोष्ठ तक यानी वायु कुपिकाओं तक का ये जो प्रवेशित वायु है वहाँ इस रास्ते से होकर पहुँचती है अब जब वापस जा रही है तो सेम आप इस प्रोसेस को पलट दीजिए यानी इस ऑर्गन को पलट दीजिए तो पहले आ जाएगा एल्विओलाई एल्वियोलाई से कहाँ आ रही है एल्वियोला डक्ट में आएगी और ब्रोंकियोल में आएगी फिर ब्रोंकी में आएगी ट्रैकिया में आएगी लैरिंग्स में ग्लोटिस में और फेरिंग्स इसके बाद नॉस्ट्रिल के द्वारा आउट हो जाती है तो ये पाथ है जिसमें आप बता सकते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कौन से पाथ के थ्रू हवा आती है और जाती है अब हम बात करते हैं कि ये जो रेट है यानी श्वसन दर है वो कितना होता है आप भी कभी अपने आप को ये चेक कर सकते हो जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें ये श्वसन दर जो है यानी रेस्पिरेटरी रेट कहना चाहिए एक बार सांस लेना और छोड़ना को हम एक मानते हैं तो ये लगभग होता है 12 से 15 प्रति मिनट आप घड़ी देखकर कर एक मिनट या स्टॉप वॉच होगा अलार्म मोबाइल में अलार्म हो, होता है उसमें स्टॉप वॉच होता है उसमें भी आप चेक कर सकते हो तो एक बार ली गई और छोड़ी गई जो सांस हाँ है वो इस तरह से आप काउंटिंग करते जाएंगे तो लगभग ये बारह से पंद्रह आती है और शिशु में कह लो आप छोटे बच्चों को कभी देखा होगा तो उसमें वो रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है जैसे आप देख रहे हो चवालीस फोर्टी फोर जो है वो पर मिनट है रेस्पिरेटरी रेट अब ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ये Uh, कहना चाहिए uh, कभी बीमार हैं स्वस्थ व्यक्ति की हमने बात की जब कभी वो बीमार हो जा रहा है तो वो चेंज हो सकता है एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें वो चेंजेस आ सकते हैं तो कुछ कंडीशन है जिसमें ये चेंज हो सकता है अब देखते हैं कि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसमें भी कंट्रोल होता है बिना कंट्रोल के ये काम नहीं होता यानी जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसमें कंट्रोल किसका होगा ब्रेन का ही होगा तो ब्रेन में आ, इसका जो तंत्रिकीय तंत्र से जो इसका कंट्रोल होता है उसमें मुख्य जो है पॉन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा जो है हमारी ब्रीदिंग का कंट्रोल होता है यानी श्वासोच्छ्वास की जो रेट है वो ऐसी ही रहनी चाहिए ये इसके द्वारा कंट्रोल होती है तो जैसे आप ये देख पा रहे हो इसमें न्यूमेटिक सेंटर है फिर आप देख रहे हो एक्सपायरेटरी सेंटर है और इंस्पायरेटरी सेंटर है एक्सपायरेटरी मतलब श्वास जो छोड़ी जा रही है इंस्पायरेटरी मतलब जो ली जा रही है तो दोनों प्रोसेस में अलग अलग वो सेंटर हैं जिनके द्वारा ये जो है कंट्रोल किया जाता है और वायुकोष्ठ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको फूलने और पिचकने में यानी एक कंट्रोल वे में ये काम होता है तो जो भी ये प्रोसेस हो रही है वो किस उस पर किसका कंट्रोल होगा ब्रेन का होगा और ब्रेन में मॉड्यूलर अवलंगाटा से ये जो है नियंत्रित होगी फुफ्फुसीय गैसी आयतन विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है जिसको हम एक टेबल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे जिसमें हम देखते हैं ये टेबल में बहुत विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें आप देख रहे हो टाइडल वॉल्यूम है जो कितना होता है 500 सौ होता है या वाइटल कैपेसिटी क्या है उसकी कितनी वॉल्यूम है मेल फीमेल में कितनी है और ये भी कभी कभी ये प्रश्न आता है पर्टिकुलर एक एक परिस्थितियों में पूछा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना होता है या वाइटल कैपेसिटी क्या है या आई क्या है ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम चार्ट से समझते हैं फुफ्फुसी गैसी आयतन यानी पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स विभिन्न स्थितियों में फेफड़े तथा शेष श्वसन अंगों की वायु धारण क्षमता को फुफसी गैसी आयतन कहते हैं और यह क्षमता अलग अलग होती है और इसे भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है जिसको हम एक टेबल यानी चार्ट के माध्यम से देखते हैं जैसे आप देख रहे हैं टेबल को तो जिसमें हेडिंग्स है सीरियल नंबर है फुफसी गैसी आयतन का नाम फुफसी गैसी आयतन और उसकी वैल्यू यानी मान कितना है तो पहला जैसे हम बात करते हैं प्रवाही आयतन जिसको टाइडल वॉल्यूम और टी वी भी कहते हैं अगर इसके फुफसी गैसी आयतन की बात करते हैं तो एक श्वासोच्वास के दौरान लिया और छोड़ा जाने वाला यह आयतन है और इसके मान की बात करते हैं तो ये लगभग 500 मिलीलीटर होता है दूसरा निश्वसन आरक्षित आयतन यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आई आर वी निश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु का आयतन ये लगभग 2000 से 3500 मिलीलीटर होता है तीसरा हम बात करते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ई आर वी की बात कर रहे हैं इसमें फुफसी गैसी आयतन होगा बलपूर्वक निश्वसन के दौरान बाहर की गई वायु का आयतन जो लगभग होता है 1000 मिलीलीटर यानी एक लीटर चौथा है अवशेषी आयतन वॉल्यूम और आर वी के नाम से भी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका गैसी आयतन कैसा होगा बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़े तथा श्वसन मार्ग में बची वायु का आयतन जिसको अवशेषी आयतन कह रहे हैं ये होगा 1500 मिलीलीटर यानी डेढ़ लीटर लगभग पांचवा है जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी आरबीसी ये क्या है वायु का अधिकतम आयतन जिसे व्यक्ति एक बार में निश्वसन के दौरान ग्रहण और निश्वसन के दौरान त्याग सकता है इसका एक फॉर्मूला भी है और कभी कभी यह भी प्रश्न आता है तो वी सी टू होता है टी वी प्लस आई आर वी प्लस पुरुषों में इसका मान 4500 सौ मिलीलीटर होता है और महिलाओं में यह 3000 मिलीलीटर होता है छठवां है संपूर्ण फुफ्फुसी आयतन यानी टोटल लंग वॉल्यूम और टी एल अधिकतम प्रयत्न के बाद निश्वसन के दौरान फेफड़े और श्वसन मार्ग के द्वारा ग्रहण की गई वायु का आयतन इसका भी फॉर्मूला है TLV IRV plus TV plus ERV plus RV, जिसका मान है पांच हजार से छह हजार मिलीलीटर या पांच से छह लीटर नेक्स्ट है क्रियात्मक आयतन यानी फंक्शनल वॉल्यूम या एफ एलवीवलाई में उपस्थित वायु का आयतन जो गैसी आदान प्रदान में भाग लेता है इसका मान है 2300 मिलीलीटर। नेक्स्ट है मृत अवकाश वायु यानी डेड स्पेस एयर यह जो है ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एलवीवलाई यानी कुपिकाओं के बाहर उपस्थित वायु का आयतन यह वायु श्वसन में भाग नहीं लेती है और इसका वैल्यू है यानी मान है 140 मिलीलीटर श्वसन गैसों का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर एम एम एच जी में तो जैसे आप टेबल देख रहे हैं सीरियल नंबर है गैस का नाम अंदर ली गई वायु एलवीओलर वायु शिराओं का रक्त धमनी का रक्त और बाहर छोड़ी गई वायु तो इसमें पहला है जैसे गैस का नाम है ऑक्सीजन अंदर ली गई वायु कितनी होगी 158.0 फिफ्टी वायु है 100 शिराओं का रक्त है 40 धमनी का रक्त है पंचानवे और बाहर छोड़ी गई वायु है 116 दूसरा गैस का नाम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली गई हवा है 0.3 पॉइंट वायु है 40 यानी 40 शिराओं का रक्त छियालीस धमनी का रक्त चालीस और बाहर छोड़ी गई हवा बत्तीस तीसरा है नाइट्रोजन अंदर ली गई वायु फाइव नाइन सिक्स जीरो सेवन शिराओं का रक्त फाइव सेवन थ्री धमनी का रक्त फाइव सेवन थ्री और बाहर छोड़ी गई वायु फाइव सिक्स फाइव तो इस तरह से बच्चों हमने ये ब्रीदिंग प्रोसेस को समझा अब हमारा दूसरा पार्ट आएगा गैसीय आदान प्रदान अब हमने बात कर ली कि हवा में जो ऑक्सीजन थी वो फेफड़ों तक पहुंच गई अब फेफड़ों से आगे जो है वो कोशिकाओं तक यानी कि आपके शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंच रही है इसको हम समझेंगे जो कि गैसी आदान प्रदान में आता है या गैसी एक्सचेंज कह उसमें ये टॉपिक आता है जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन आएगा सी ओ टू का परिवहन आएगा और परिवहन में शामिल होगा वो फेफड़ों से लेकर टिश्यू या सेल्स तक का ऑक्सीजन का जाना और टिश्यू और सेल से सी ओ टू का फेफड़ों तक आना तो इसको अब हम समझेंगे अब हम गैसीय आदान प्रदान की बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसे हो रहा है वो पल्मोनरी में होगा यानी फेफड़ों में होगा फेफड़ों में ये कैसे होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं एक प्रेशर आप इस शब्द से परिचित होंगे जो हवा में जो भी गैसें होती उनका एक प्रेशर होता है अब जैसे जो वायुमंडली दाब है जैसे आप जानते हो 760 सिक्सटी एम एम होता है इसी तरह से हर एक गैस का एक प्रेशर होता है जिस प्रेशर के कारण ही यहाँ पर जो है गैसी आदान प्रदान में जो बहुत ज़्यादा सहायक होगा तो क्योंकि earth... गैसीय आदान प्रदान में इनके प्रेशर में अंतर होता है प्रेशर में अंतर होने के कारण हम इनको जो प्रयुक्त करते हैं जैसे ऑक्सीजन के लिए हम पी ओ टू लिखते हैं पी क्या है उसका पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पी सी ओ टू लिखते हैं वो उसका पार्शियल प्रेशर है ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए पी एन टू लिखते हैं जो उसका पार्शियल प्रेशर है तो इस पार्शियल प्रेशर के कारण ही गैसीय आदान प्रदान संभव हो पाता है असल में देखा जाए तो जो एलवी है एलमी में हमने जैसे बात की इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन में जो गैस या हवा जो अंदर आ रही है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कोपिकाओं में हमने ये भी पहले जाना था कि उनमें रुधिर के शिकाओं का जाल फैला होता है धमनी और शिराएं होती हैं उनके जाल फैले रहते हैं तो ये जो केशिकाएं हैं उसमें जो ऑक्सीजन और सी टू है और एल ओलाई में जो ऑक्सीजन और सी टू है इनके पार्शियल प्रेशर के कारण ही ये आदान प्रदान संभव हो पाता है तो अब ये गैसी आदान प्रदान में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लेवल पर यानी पल्मोनरी में एल ओलाई में पल्मोनरी एल ओलाई और केशिकाओं के बीच आदान प्रदान कैसे होता है तो ये पिक्चर आप जैसे देख रहे हैं पल्मोनरी धमनी में आ, जो है ऑक्सीजन विहीन रक्त रहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती यहाँ कहना चाहिए कम रहती है नहीं तो ऐसा नहीं है कम रहती है आ, जिसका प्रेशर है 40 एम एम और एल वी में ऑक्सीजन का प्रेशर है यानी पी टू है 100 एम एम तो आप यहाँ अंतर देख पा रहे हैं कि केशिकाओं में जो रक्त आया उसका पी ओ टू जो है वो कम है फोर्टी है और एल वी ओलाई में जो ऑक्सीजन आई है इंस्पायरेशन के दौरान वो हंड्रेड एम एम एच जी है तो ये अंतर आपको पार्शियल प्रेशर में अंतर दिख रहा है ऐसे ही यदि सी ओ टू की बात करते हैं तो अब केशिकाओं में क्या होगा केशिकाओं में सी ओ टू की मात्रा ज़्यादा होगी उसका वो प्रेशर जो है वो फोर्टी सिक्स है और जो एल वी वो में में सीओ टू जो है उसका उसका जो प्रेशर है वो फोर्टी एम एम एच जी है तो यहाँ भी आप अंतर देख पा रहे हैं तो जब ये दोनों गैसों में अंतर है जिसके कारण ही ये क्या होंगी विसरित होंगी विसरित होंगी मतलब विसरण की प्रक्रिया के द्वारा एक्सचेंज होगा जहाँ ज्यादा सांद्रता है ऑक्सीजन की वो कम सांद्रता की ओर विसरित हो जाएगी ऐसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता के शिकाओ में ज्यादा है तो वो एल वी में आ जाएगी तो इसको इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पी सी ओ टू आप देख रहे हो ये एल वी जो ऊपर में बने हुए हैं आ, बैलून लाइक -like स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एल वी है यानी ये वायु कोपिकाएँ हैं जिसकी हमने बात की थी ये लगभग तीस करोड़ होती हैं दोनों फेफड़ों को मिला दें तो।, तो इन वायु कोपिकाओं में हवा अंदर आई जिसमें हम देख रहे हैं सी ओ टू का मान तो कम ही होगा क्योंकि वायुमंडली हवा में सी ओ टू का मान कम होता है उसका प्रेशर यहाँ पर आप देख रहे हो फोर्टी है ऑक्सीजन का प्रेशर आप देख रहे हो हंड्रेड एम एच डी है अब ये जो नीचे आप देख रहे हो ये केशिकाएं हैं यानी ब्लड कैपेलरीज हैं तो ब्लड कैपेलरीज में आप देख पा रहे हो एक लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दिख रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ये जो ब्लड अभी जहाँ पर ये एक्सचेंज हो रहा है जहाँ पर एल से ऑक्सीजन विस्तृत होकर कहाँ पर आ गई केशिकाओं में आ गई क्यों आई क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस था 140 का डिफरेंसेस था जिसके कारण ऑक्सीजन विस्तृत होकर केशिकाओं में आ जाती है तो केशिकाओं में आ जाने के कारण ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पल्मोनरी वेंस होती हैं पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेंस में जमा होते जाता है या कहना चाहिए एकत्रित होते जाता है अब ये वेंस जो है ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी हार्ट में लेके जाती है पल्मोनरी वेंस uh, जो है लेफ्ट एटा में लेके जाती है वहाँ पर ये फिर पंप्ड टू बॉडी टिश्यूज़ में होता है तो नीचे आप देख रहे हो बॉडी टिश्यूज़ में ये जा रहा है और वहाँ पर आप देख रहे हो पी ओ टू जो है 95 है 95 है और पी सी ओ टू देख रहे हो 46 है जबकि ये टिश्यूज़ में क्योंकि ये अब कहाँ पर आ रही है टिश्यूज में आ रही है कोशिकाओं में आ रही है तो कोशिकाओं में आ, कहना चाहिए वहाँ आकर फिर ये चेंज होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर आ, अलग है तो आ, ये अब नाइन्टी फाइव से वो टिश्यू में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है और टिश्यूज़ में फोर्टी है सी ओ टू का मान आप देख रहे हो टिश्यूज़ में फिफ्टी टू है जो ज़्यादा है और केशिकाओं में कम है जो फोर्टी सिक्स है वो वहाँ विस्तृत हो गई CO2 टू टिश्यू से कहाँ आ गई ब्लड की केशिकाओं में आ गई रक्त की वाहिनियों में आ गई वहाँ से ये हार्ट में जाती है हार्ट से वो पल्मोनरी आर्टरी में ये कलेक्ट होती है और फिर ये CO2 टू वाली यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है लंग्स में तो आप यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि रिटर्न टू लंग्स रिटर्न टू लंग्स में ये बॉडी से सी टू वाला ब्लड हार्ट में आता है हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में आता है और लंग्स में जैसे आया तो यहाँ आप देख रहे हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसका मतलब है कि जो श्वासोच्छ्वास में जब हमने एक्सपायरेशन की बात की थी वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर वो आ, एलमी वोलाई में चूंकि कम है उसका प्रेशर उसका प्रेशर कितना है 40 है यहाँ पर कितना था 46 था तो फिर से ये LV वोलाई में चली जाएगी सीओ टू होकर चली जाएगी और ये प्रोसेस यानी कहना चाहिए विस्तरण तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो जाए तो यहाँ आप आ, आ, इस प्रोसेस से समझ पा रहे हैं कि कैसे पार्शियल प्रेशर के कारण एल में उपस्थित ऑक्सीजन ब्लड की कैपिलरीज में चली जाती है ब्लड की कैपिलरीज में जो आई सी ओ टू थी वो वापस एल में चली जाती है और यहाँ पर एक तरीके का गैसेस एक्सचेंज आप देख पा रहे हैं दूसरा एक्सचेंज आप देखेंगे कि टिश्यू या सेल्स में किस तरीके का ये एक्सचेंज हो रहा है तो पहला हमने देखा अब दूसरा देखेंगे तो पहले लेवल में हमने एल बी बुलाई और ब्लड कैपिलरीज के, के बीच आदान प्रदान देखा अब ये ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के मध्य यानी बॉडी कोशिकाएं यानी बॉडी सेल्स तक जब ये ब्लड पहुंच रहा है तो वहाँ कैसे आदान प्रदान हो रहा है तो यहाँ भी पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस है जिसको बहुत अच्छी से हम समझ लेते हैं शरीर का जो उत्तक है यानी कि जो जो टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो फोर्टी एम एम एच जी है और धमनियों में क्योंकि आप जानते हो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो धमनियों से बहता है हार्ट के थ्रू एयटा uh, के थ्रू जब ये बॉडी में आता है तब ये धमनियों के द्वारा आता है तो धमनी में जो ऑक्सीजन uh, का जो प्रेशर है वो नाइन्टी फाइव है जो कि टिश्यू से ज़्यादा है तो uh, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये ज़्यादा है कहाँ पर ब्लड में और टिश्यू में कम है तो ब्लड से ये ऑक्सीजन कहाँ विस्तृत हो जाएगी टिश्यूज में हो जाएगी यानी उत्तकों में हो जाएगी कोशिकाओं में हो जाएगी अब कोशिकाओं में लगातार इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है उपयोग हो रहा है जो उपयोग हो रहा है वहां पर सी टू बन रही है अब चूंकि यहाँ पर आप देखें सीओ टू की बात करें तो सी टू में आ, क्या है जो आ, उसका प्रेशर जो है 46 सिक्स एम एम एस जी है मतलब ये ज़्यादा है और जो आर्टरियल ब्लड आ रहा है यानी जो धमनी जो है ब्लड जो ला रही है उसमें पी सी ओ टू का जो मान है वो फोर्टी है जो कि कम है तो डेफिनेटली अब क्या होगा टिश्यू से सी ओ टू कहाँ आ जाएगा ब्लड की कोशिकाओं में आ जाएगा यानी वो कैपलरीज के द्वारा आता है और फिर हमने आगे चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो वीनस ब्लड है यानी महा के, के द्वारा वेना के, के द्वारा ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में पहुंचाया जाता है तो अभी इस चैप्टर में हम ये जो समझने की जो बात है वो ये है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है पहले एल से कैपलरीज में कैसे हुआ और फिर ये कैपलरीज यानी ब्लड वेसल्स जो हैं टिश्यू तक आ जा रही हैं तो टिश्यू में कैसे एक्सचेंज हो रहा है तो ये हम साफ तौर तो पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कैसे ये कैसी आदान प्रदान हो रहा है और केवल यहाँ पर एक फिज़िकल प्रोसेस जो है यानी फिजिक्स की जो प्रोसेस है विसरण का ही काम हो रहा है विसरण यानी डिफ्यूशन का ही काम हो रहा है जिसमें जो अणु हैं यानी कहना चाहिए आयन जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो जहाँ पर प्रेशर आ, या जहाँ सांद्रता ज़्यादा है वहाँ जहाँ लो है उसकी तरफ ये विस्तृत हो जा रहे हैं ऑक्सीजन एल में ज़्यादा थी तो टिश्यूज या कैपलरीज में कम थी कैपलरीज में कम होने के कारण वो कैपलरीज़ में आ गई सी टू का सेम मामला था सी ओ टू कैपलरीज में ज़्यादा थी एल में कम थी तो वो एल में चली गई फिर टिश्यू की बात करें तो ये ब्लड कैपलरीज में ऑक्सीजन ज़्यादा था जो टिश्यूज़ में कम था वो टिश्यूज़ में फिर मिश्रित हो गई और टिश्यू में जो सी टू ज़्यादा था वो ब्लड कैपलरीज में आ गई अब ये जो है वापस यहाँ लंग्स में आती है फेफड़ों में आती है जो ये सी ओ टू एक्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है इस तरह से हमने ये पूरे गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस को समझा अब हमारा जो अगला भाग है वो है गैसों का परिवहन यानी अब आ तो गई ऑक्सीजन लेकिन ये ऑक्सीजन को जाने का माध्यम कुछ है यानी हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से ये जुड़ती हैं कुछ प्लाज्मा के जरिए अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं ना ब्लड के थ्रू ही जा रहा है लेकिन ब्लड में आप जानते हो आ, उसके कंटेंट होते हैं उसमें कैप्सल्स यानी कोशिकाएं होती है ब्लड प्लाज्मा होता है तो ये कैसे ब्लड प्लाज्मा या कैप्सल्स के द्वारा कोशिकाओं के द्वारा कैसे ये बंध के ऑक्सीजन जाता है और सीओ टू वापस लंग्स में आता है इस प्रोसेस को हम समझेंगे